ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के एक्शन से भरपूर फिल्म वॉर का ट्रेलर रिलीज हो गया है और दोनों ही धमाकेदार अंदाज में नजर आ रहे हैं। ट्रेलर में कमाल का मुकाबला और गुरु चेले की जंग काफी दिलचस्प नजर आ रही है। वॉर में इंटरनेशनल लेवल के एक्शन देखने को मिलेंगे। फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला का टीजर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में आयुष्मान एक गंजे आदमी के किरदार में नजर आएंगे। टीजर में आयुष्मान बाइक पर बैठे शाहरुख खान की फिल्म का गाना कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला पर लिपसिंग करते दिखाई दे रहे हैं। सलमान खान आलिया भट्ट की फिल्म इंशाल्लाह का फैंस को बेसब्री से इंतजार था, पर अब फैंस के लिए एक बैड न्यूज है। सलमान खान ने फिल्म छोड़ दी है और संजय लीला भंसाली ने फिल्म के प्रोजेक्ट को बंद करने का फैसला किया है। सलमान की फिल्म इंशाल्लाह ईद के मौके पर रिलीज नहीं होगी, जिसका फायदा अक्षय कुमार ने उठाकर तुरंत अपनी नेक्स्ट फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब का अनाउंसमेंट कर दिया है। लक्ष्मी बॉम्ब अब ईद के दिन यानी कि 22 मई 2020 को रिलीज होगी। पहले ये फिल्म 5 जून 2020 को रिलीज होने वाली थी। फिल्म में अक्षय के साथ पहली बार कियारा आडवाणी स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी। रणवीर सिंह फिल्म 83 में कपिल देव की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही उनकी पत्नी दीपिका कपिल देव की पत्नी रोमी देव की भूमिका निभाएंगी। अब फिल्म 83 के कास्ट को बोमन ईरानी ने ज्वाइन किया है। फिल्म में बोमन ईरानी फारूक इंजीनियर की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे, जो 1983 वर्ल्ड कप के दौरान अकेले एक इंडियन कमेंटेटर थे।